मैं बना रहा हूँ चाय, ये इसमें भी हम लगा के खुद क्रेडिट ले रही है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज का ब्लॉग मैं शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरे पति कहीं बाहर गए हुए हैं, आने वाले ही होंगे। आज यहाँ पर मौसम बहुत ही खराब है, रात से बारिश हो रही है। बारिश भी इतनी तेज बारिश है, पता नहीं क्या बनेगा। मुझे लगता है ये बीमारी वाला काम है और लोगों को बीमारी करेगा और कुछ नहीं करेगा। पता नहीं, मेरे पति बहुत देर से कहीं गए हुए हैं, बस उन्हीं का वेट हो रहा है कि वो आए फिर हम कुछ खाना पीना खाए। ये देखो पूरी रात बारिश हुई है, आज का मौसम कैसा है। ये रहे कबूतर हमारे आंगन में घूमते हुए, इन्होंने कोई घर नहीं छोड़ा, सारे घरों में डेरा डाल रखा है। आपसे बातें करते करते मेरे पति भी आ गए। ओ देखो मेरा पति आ रहा है बारिश में दौड़ता दौड़ता। आ गए आप हैं, कैसे रहा यार? बहुत बारिश में फंस गया मैं। कहाँ गए थे आप? यार गांव में, सातवें दिन आठवें दिन किसी की डेथ के बाद जो मतलब पंजाबी में भोग कहते हैं वो था, तो अच्छा गया था। अच्छा, तो ये तो बारिश में भी टेक नहीं है ना। हाँ, वहाँ बारिश में फंस गए, भाग भाग के आए। शुक्र करो, देखा मेरे बाल क्या हो गया बाल में। कुछ खा पी लेते। खा पी क्या हूँ मैं तो, देखना एक बार भी बीवी को याद किया। हाँ तुझे याद कर करके खा रहे थे। ये हर किसी का चेहरा दिखाते रहते ना, कोई बुक्कड़ है, कोई दल बदलू है, खुद भी एक बुक्कड़ है। देखना मैं यहाँ पे वेट करती रहेगी और ये खा पी के भी आ गए। भाई मैं यहाँ पे गया था, वहाँ पे उन्होंने खाने पानी का इंतजाम किया था कि ताकि वो दान कर सके। तो अगर नहीं खाएंगे तो उनका जो मतलब एक एफर्ट था लोगों को दान करने का वो फेल हो जाता। तो बस मैं नहीं चाहता था, माफ किया मैंने। अब मैं फिर भूखी रह गई। मुझे तू भूखी रह सकती है, इसकी शक्ल देखो भूखी रहने वाली है। नहीं वैसे मैंने जो गाजर का हलवा बनाया फिर वो थोड़ा सा खा लिया, थोड़ा सा बचा है, मैंने देखा इतना सा बचा है, डेढ़ क्विंटल था वो। ऐसी बातें करो ना जो लॉजिकल हो। ये देखा मुझे कहते हैं कि लॉजिक और पुन्नू, अब मैं कहूंगी लॉजिक और वीरू। सिर्फ कोविड ही ऐसा नहीं है जो हाथ लगाने से फैलता है, लॉजिकल वाली बीमारी भी मुझे इससे फैल गई है। वैसे आज है कमाल का दिन, आज तो ये लैपटॉप बाहर निकाला है। ठीक है, मेरी मीटिंग थी सुपर। बस वो मीटिंग होगी, फिर इसने 15 मिनट लगातार पड़ा बिना किसी डिस्टर्बेंस के। नहीं नहीं, 1 घंटा पड़ा, ऐसे ना बोलो 15 मिनट, 1 घंटा पड़ा मैंने। अभी आप गरम गरम चाय बनाएगी या मैं बनाऊं? चाय आप बना लो। हाँ पी मैं लूंगी, पी मैं लूंगी। तुम्हें ये बोलने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे मैं आ गया ऑटोमेटिक चीजें अच्छी हो जाती है। चाय का भी कोई ब्रांड है? नहीं नहीं, चाय का कोई ब्रांड नहीं है। अरे ये बता तू कितनी एक्साइटेड कितनी है अपने घर जाने के लिए? बहुत ज्यादा। मतलब सबसे ज्यादा क्या एक्साइटेड है तुझे, मतलब क्या करेगी वहां जाके सबसे ज्यादा? एक तो 2 साल बाद अपने घर वालों को मिलूंगी, वहां की एक बहुत अच्छी मिठाई है। सबसे ज्यादा खाने की एक्साइटमेंट मुझे हुआ है। मैंने बोल भी दिया घर वालों को कि मिठाई मंगवा के रख लेना, मिठाई खाऊंगी साथ में। एक्साइटमेंट देखा तुमने, घर वालों को मिलना है, हो गया। फिर मिठाई भी खानी है मुझे, मुझे वो भी खाना है। कैसी है यार तुझे? ये पापी पेट का सवाल है। पेट ठीक है, पापी ये खुद है, शक्ल देख लो पापी की। दिन में मैं मिठाई मिठाई खाके अपना वजन बढ़ाऊंगी और शाम में मैं बैडमिंटन खेलूंगी। ठीक है, बैडमिंटन भी ये पक्का ऐसे प्लेयर को सिलेक्ट करेगी जिससे जीत सके। जरूरी थोड़ी है। हाँ मैं जानता हूँ तुझे, ये वही चीज करती है जैसे मान लो जिसको मेरे साथ तुझे कुछ भी नहीं खेल सकती क्योंकि मैं सब में जीत जाता हूँ। तो ये ऐसे प्लेयर को पकड़, मतलब हद होती है, कुछ तो लिमिट में फेंका करो। क्या फेंका मैंने? हमारे यहाँ सच बोलना सच बोलना ही होता है, झूठ बोलने को फेंकना कहते हैं। जैसे अब मान लो तुम फेंक, हाँ तो वही मैं कह रही हूँ, आप झूठ बोलते हो उसको लिमिट में बोला करो। कहाँ से लहल से हो तू भी? वहीं से आधार कार्ड देखो तो ये भी लहल से है। कभी बोलते नासिक से, कभी कहते लहल से। वोटर अभी तेरी नासिक ही है ना, आधार कार्ड तेरा लहल का है तो मैं नासिक का ही रखूंगी, चेंज नहीं करूंगी। पता पंजाब में इलेक्शन और तेरे चक्कर में कोई हार सकता है कैंडिडेट? ठीक कोई बात नहीं, तेरी एक वोट के चक्कर में कोई बात नहीं। हमारा वोटर कैसा हो बस पूनम के जैसा ना हो, बस इतना जो अपनी वोट ही नहीं बनवा रहा। और मुझे बहुत काम है। चलो जी खाओ, इसने उस पंजाब की वो वाली कहावत को सीरियसली ले लिया, खाओ पियो और सो जाओ। रात में पढ़ रही थी, फिर मैं बोर्ड के फिर पढ़ रही थी, फिर मैंने मीटिंग अटेंड किया। मैं इतना थक गई हूँ, मेंटली इतना ज्यादा थक गई हूँ। इसमें जहाँ जहाँ पे पढ़ाई आ रहा है उसको सोने से रिप्लेस कर दो। मैं रात को सो रही थी, फिर सुबह उठ के मैं फिर सोई, बस वो वाला हिसाब था। किसी को पता हो तो बता देना, हमारे यहाँ पे कबूतर बहुत घूमते रहते हैं। हाँ उनको रोकने का तरीका क्या है? घूमते हैं मतलब उन्होंने छत्ती बना रखा है यहाँ पे। क्या बना रखा है? तो
अपना घोंसला बना रखा है। एक बार दोबारा क्या बना रखा है? घोंसला नहीं, पहले क्या बोला था? छत बना रखा है। छत बना रखा है मैंने, घोंसला बना रखा है। अच्छा तूने ये छत पंजाबी सोच के बोला है, ये पंजाबी में छत बोलते हैं? नहीं। हाँ छत क्यों बोला? बस ऐसे ही बोल दिया। एक डॉक्टर है हमारे घर पे, डॉक्टर वरिंदर सिंह, वो बता रहे थे, उन्होंने कुछ इलाज भी बताया था कि जहाँ जहाँ कबूतर है, जहाँ जहाँ वो बैठते हैं वहाँ वहाँ पे लाल मिर्च छिड़क दो। स्मेल से चले जाते हैं। काफी डीप स्टडी के बाद मैं इस चीज पे निकला हूँ, इस चीज का ये मैंने कंक्लूजन निकाला है भाई, जहाँ जहाँ पे कबूतर है वहाँ वहाँ पे आप लाल मिर्ची का वो कर दो तो वो स्मेल से वापस किसी और चीज की डीप स्टडी कर लेते हैं। ये कौन डीप स्टडी करते हैं? तुम नहीं समझोगे ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो उस चक्कर में ये हमारी जरूरत है, इसलिए मैंने फिर इस पे डीप स्टडी की। आज हम वीडियो शूट करेंगे, मेरे पति को चाय बनाते हुए देखेंगे, लोगों को पता चले कि भाई सच में बनती भी है, तो बनती है तो कैसी बनती है। चलो ठीक है जी, अब आप जुड़े रहियो, अब आपको मैं चाय बना के दिखाता हूँ चाय के बनती कैसे। ठीक है, चलो इसी बहाने इस बुखड़ को चाय मिल जाएगी। रिश्तेदार भी जो हमारे मेरे हाथ की एक बार चाय पी लेता था, दूसरी बार वो सिर्फ इस चक्कर में आता था यार वैसे ही चाय पीनी है वहां पे, जेलस लोग करते हैं मेरे टैलेंट से, ये उनमें से एक है। शकल देख ली जेलस वाले का। हाँ जी, क्या कर रहे हो आप? मैं बता रहा हूँ चाय, वीरू स्पेशल चाय। अच्छा। हाँ, ऐसी चाय जो आपको कन्याकुमारी से लेके महाराष्ट्र से लेके श्रीनगर तक कहीं नहीं मिलेगी। चाय पी के बस हम बच जाए। बच जाए? हाँ हो सकता है, तो मैं जन्नत नसीब ना हूँ, बच सकते हो तुम, पूरे पूरे चांसेस में भी मिलेगी ये चाय ऐसी है। अच्छा, स्पेशलिटी है कि बाकी तो मैं मास्टर तो हूँ हर चीज में, हर चीज बनाने में शेफ हूँ, मतलब बातें बनाने में मास्टर ही है, कोई बात वो भी एक चीज ही है, वो भी एक आर्ट है, आर्ट आर्ट। और हम बना रहे हैं चाय। मैं बना रहा हूँ चाय, ये इसमें भी हम लगा के खुद क्रेडिट ले रही है, हर चीज का क्रेडिट ले रही है। बस दोस्तों मैं ये पानी भर के मैंने रख दिया है और मैंने बता दिया कि इतनी चम्मच चाय पत्ती इसमें डालो। चल बता कितनी डालनी है? दो। मैंने कितने डाल दिया? एक। ये अभी आपने दो हो गए, अब मैं तीसरा भी डालूंगा। ये पहले जो आपने दूसरी डाली थी वो आधी चम्मच डाली थी, और अब ये आपने आधी डाली। चौथी भी डाल दोगे? ये नाटक ना करो। दे पांचवी। अब मैं तेरी बात नहीं मान रहा, मैं खुद का वो बना रहा हूँ। आप वो दो चम्मच कंपनसेट करने के चक्कर में थोड़ी 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 डाल रहे हो। थोड़ी थोड़ी चाय पत्ती इसलिए डाली क्योंकि मैंने वो दाने गिन लिए थे, चम्मच में कितने चाय पत्ती के दाने आए। कितने आते? 113। क्या हुआ? चाय में सबसे मेन चीज क्या है? क्या? चाय। नहीं बोले ये चाय पत्ती, इसको अच्छे से बॉइल करो, इसका वो सब कुछ निकालो, फिर बाकी चीजें निकालता हो, समझ रही हो? मानसिक संतुलन खो गया? नहीं नहीं, मानसिक संतुलन नहीं हुआ, ये मेरी खोआ। तुम मुझे खाने की बातें क्यों कर रही है? अभी खोआ पनीरी पता नहीं क्या है यार, ये लड़की का कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, इसका पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ खाने पे ही रहता है, सिर्फ खाने पे। खाना खाओ, चाय पी के मैं जिंदा रहती हूँ। जिंदा? पर मैं एक ही शर्त पे चाय बना रहा हूँ भी, क्योंकि इनको अच्छी लगनी है, ये ऑटोमेटिक है, इसमें कोई वो नहीं है, पर मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा क्योंकि इनको आदत पड़ जानी है इस चीज की, भाई मुझे तो वही अच्छी वाली चाय चाहिए, अच्छी वाली चाय चाहिए, इसको नाम भी ऐसा रख देते हैं अच्छी वाली चाय, अच्छी वाली चाय। तो वो नहीं बनाऊंगा। जब मैं वहां पर थी न्यूजीलैंड में, तब मुझे कोई कह रहा था तू आ जा, मैं तुझे चाय पानी सब जगह पे दूंगा। अब क्या हुआ? पर इसकी जगह ही फिक्स नहीं है, मैं कहां हूं? इसकी जगह ही फिक्स नहीं है, ये कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी इधर, एक जगह चाय लेके जाता हूँ इधर जगह बदल लेती है, तो मैंने कहा छोड़ यार, जिस बंदे का स्टैंड ही नहीं है उसको क्या तुम बोलो। अब देखो ये बॉयल होने लगी, अब इसमें डालो हल्का सा, बस बहुत है, ज्यादा नहीं डालना नहीं तो कड़वाहट आ जाएगी। अब डाल दो दूध, मीठा नहीं डालना। इसके बाद आपको वेट करना है भी ये भी बॉयल हो जाए। आप चाहो तो इसमें बाद में चीनी डाल सकते हो, जो भी आप शक्कर चीनी जो भी डालते हो, पर हम अभी नहीं डालेंगे क्योंकि मम्मी और मैं बहुत कम मीठा पीते हैं, तो हम लोग बिना मीठे वाले निकाल लेंगे, और ये इसको हम गिलास में आधे गिलास में चीनी डाल के फिर थोड़ी सी चाय डाल देंगे। चलो मैं चाय पी के बताऊंगी कि चाय कैसी है। इससे भी लेना रिव्यू, चाय हो गया तैयार। अब हम पूछते हैं हमारे जज से भी चाय बनी कैसी है। चाय कैसी बनी है? बहुत अच्छी बनी है। अच्छी बनी है? कोई कमी तो नहीं है चाय की? नहीं बेटा। हाँ बेस्ट है चाय? बेस्ट। अच्छा मैं अच्छी बना रहा हूँ या पूनम?
थैंक यू मम्मी, मैं अच्छी बना रहा हूँ। मम्मी अच्छी बना रही हूँ यार। मम्मी ने पूनम मम्मी ने बोल दिया मैं अच्छी बना रहा हूँ। कोई बात नहीं, इधर हेलो, इधर आंखें में आंखें डाल के बोलो। कोई बात नहीं। कैसी बनी जाए? ठीक ठीक है यार। कैसे लोग हैं जिनको सच भी नहीं बोलना था, अब ठीक है नहीं तरह से अच्छी ऐसी बनती तो तारीफ तो करो यार। ये चाय इतनी अच्छी है, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ भाई। अगर मेरा जब वो मंथन करने के बाद अमृत निकला था, अगर उस टाइम पे मेरा जन्म हुआ होता और मैं अमृत का टेस्ट लेता तो सेम टेस्ट आता जो आज मेरी चाय का टेस्ट। किसका मंथन हुआ था? सागर मंथन हुआ था, तुझे नहीं पता था? अरे यार भगवान, मैं भी ज्ञान की बातें किसके पास कर रहा हूँ यार। ये भाई प्लीज, ये आप लोगों के लिए ज्ञान की बातें, तू प्लीज इग्नोर कर दे यार। सॉरी मैं, मुझे मैं क्या कर सकता हूँ ना, बीवी यार जेलने बढ़ रही है। अच्छा तो मैं आपको बता रहा हूँ भी चाय का टेस्ट कैसा है, बिल्कुल डिट्टो अमृत जैसा। अगर किसी ने लगे भी यार मैं अमृत मिस कर रहा हूँ, मेरा जन्म इसी युग में हो गया, तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, आपको चाय का टेस्ट आएगा। आपने कब अमृत मंथन, आपने कब अमृत को टेस्ट कर लिया कि आपको पता चलेगी? फीलिंग होती है ना यार, ये फीलिंग होती। कुछ नहीं हो सकता आपका, कोई बात नहीं। बस बस वही बोलता हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, इतना टैलेंट लेके भी मैं घर पे बैठा हूँ। चलो ठीक है जी, हम लोग चाय एंजॉय करते हैं। आप लोग भी ऐसी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, खुश रहिए और प्यार बांटते रहिए। तब तक रब राखा, रब राखा।